इनका दिन है, इनका नहीं होना है। चलो चलो खत्म कर देते हैं। पहली बात तो बड़े दिनों बाद ऐसे ऐसा वातावरण बना है जिसमें 7-8 कैमरा साथ में है। आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं। और सतीश कौशिक मेरे बचपन के दोस्त हैं, मुझसे थोड़े सीनियर हैं मगर बचपन के हैं, और उनकी फिल्म कागज़ देखने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। मैंने कहानी इसकी बहुत सालों से सुनी हुई है, सतीश जी इस पर बहुत सालों से बनाना चाहते थे और आज ये तैयार होकर आई है एंड आई एम एक्साइटेड अबाउट इट। कुछ नहीं है सतीश, अब देखिए 2021 में वातावरण अच्छा होगा। मैंने तो 2020 में भी बहुत कुछ सीखा और जो सीखा उसको अप्लाई करेंगे। किताब लिखी, 2 फिल्में शूट की इस सतीश जी के साथ, एक द लास्ट शो और अभी कश्मीर फाइल्स ख़त्म करके आया हूँ। धीरे धीरे हमको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा वातावरण के हिसाब से, हालात के हिसाब से, मगर मैं आशावादी आदमी हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि सब ठीक होगा। आने वाला साल जो अभी शुरू हुआ है वो बहुत अच्छा होगा सबके लिए, हमारे लिए, आप लोगों के लिए, आपके पीछे जो लोग देख रहे हैं इस शो को, आप उन सब के लिए। और आज तो मैं सतीश जी को अपना शुभकामनाएं देने आया हूँ। बड़ी ज़बरदस्त फिल्म बनाई है इन्होंने, मैंने इसके कुछ सीन्स देखे हैं मगर टोटल प्रोडक्ट में इसको आज देख रहा हूँ। नमस्कार। सर कागज स्क्रीनिंग है, हम सभी इस मौके पर प्रेजेंट है। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। आज मतलब कुछ दोस्तों के लिए स्क्रीन रखी जा रही है। कोविड टाइम्स में हम लोग पूरा एहतियात बरत रहे हैं, समझना, चाहे वो टेम्परेचर चेकिंग हो, चाहे आपका ऑक्सीजन लेवल हो, मास्क हो, सिर्फ इंटरव्यू के लिए मास्क निकाला हुआ है बट वो करते हो। और थिएटर के अंदर यहाँ सनी सुपर साउंड में हम 50% कैपेसिटी पे हम लोग कुछ अपने चंद दोस्तों को ला रहे हैं। कागज़ का आज एक शो है जहाँ पर दोस्तों को पिक्चर दिखाई जाएगी। ये कागज़ पिक्चर मेरे बड़े दिल के करीब है और बहुत सालों से मैं 2003 में मैंने एक्चुअली इस स्टोरी के राइट्स लिए थे लाल बिहारी मृतक से। और आप देखो कि आज 18 साल बाद एक्चुअली ये पिक्चर जो है पर्दे पर आ रही है, तो ये मेरी बड़ी उपलब्धि है। कई स्क्रिप्ट्स ऐसी होती हैं जो डायरेक्टर के दिल के करीब होती हैं लेकिन उनको बनने में बहुत वक्त लग जाता है असल में, किन्हीं कारणों वक्त, बट ये अब तैयार हुई है और मेरे को लगता है सही टाइम पर हुई है। और अच्छी बात यह है कि इसके अंदर पंकज त्रिपाठी हैं, वो बहुत पॉपुलर एक्टर हो चुके हैं, सबके चहेते हो चुके हैं, आज OTT के सुपरस्टार हैं वो, हर पिक्चर में उनकी तारीफ़ की जाती है। और इस फिल्म में उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, भरत लाल का जो रोल किया है। एम मोनल गज्जर हैं जो कि इस पिक्चर की हीरोइन है, जिनको मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। और इस पर सबसे बड़ा हाथ इस पिक्चर पर जिसका आया है वो है सलमान खान फिल्म्स का। सलमान को जब मैंने ये फिल्म की कहानी सुनाई थी भारत फिल्म के दौरान, मैं शूटिंग कर रहा था उनके माल्टा में, उनको बहुत पसंद आई और उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने टू कम एज ए प्रेजेंटर टू ऑफ द फिल्म, कहने लगे SKF फिल्म विल लाइक टू प्रेजेंट दिस फिल्म। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती थी। आज पिक्चर को ग्रेट मिल रहा है, लोग ट्रेलर पसंद कर रहे हैं, गाने पसंद कर रहे हैं और आज पहला ये जो ट्रायल है ये हो रहा है। पिक्चर जो है 7 जनवरी को Zee5 पर रिलीज़ हो रही है और उत्तर प्रदेश के कुछ चंद थिएटर्स में भी रिलीज़ हो रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश की पिक्चर है ये। तो बस मैंने मेहनत से फिल्म बनाई है। इस फिल्म में मेरे नेफ्यू निशांत कौशिक जो हैं वो ऑफिशियल प्रोड्यूसर हैं और विकास मालू मेरे
दोस्त वो ऑफिशियल प्रोड्यूसर हैं और कुलदीप सिंह जी हैं वो प्रोड्यूसर हैं। तो ये फिल्म एक साथ होकर के एक मत के लोगों ने बनाई है पिक्चर। इसमें कैमरामैन आरको देव मुखर्जी पहली बार एक्चुअली फर्स्ट टाइम कैमरामैन है वो। तो दिल से निकली हुई पिक्चर है। कागज़ आपको पता है कि ज़िंदगी में कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, हमारे पैदा होने से मरने तक। तो एक आदमी के कागज़ की कहानी है कि वो कागज़ से कैसे लड़ा, वो कागज़ से उसकी लड़ाई, कि कागज़ पर जो लिखा जाता है वो पत्थर की लकीर हो जाता है। तो बहुत बड़ी फिलोसफिकल है, बहुत अच्छी लाइन है इसके अंदर। कुछ भी नहीं है मगर है सब कुछ भी, क्या जब चीज़ है ये कागज़ भी। बारिशों में है नाव कागज़ की, सर्दियों में अलाव कागज़ की, आसमां में पतंग कागज़ की, सारी दुनिया में जंग कागज़ की। तो ये कागज़ की जंग है कि हमारी, जिस दिन मैंने कागज़ टाइटल सोचा था मेरे को लगा मेरी पिक्चर का विलन मिल गया, कि एक कॉमन आदमी है कागज़ से टकराया, उसने कागज़ से टक्कर ली। तो देखिए अब 7 तारीख को OTT Zee5 पर और UP में जहाँ भी आप देखें इस पिक्चर को, थिएटर में भी देख सकते हैं, आएँ। और ये आपकी अपनी पिक्चर है, पहली बार ग्रामीण क्षेत्र इसके अंदर बहुत खूबसूरती से दिखाया गया, बड़ा अच्छा म्यूज़िक है पिक्चर का। तो मेरी गुजारिश है, हम सबकी आपसे गुजारिश है, मैं पंकज त्रिपाठी, मोनल गज्जर, निशांत कौशिक, सलमान खान, सब आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप इस पिक्चर को देखें और आपको आप आनंद प्राप्त करें। और ये बहुत इमोशनल कहानी होते के साथ साथ बड़ी कॉमेडी फिल्म भी है, मतलब कॉमेडी का तड़का भी इसके अंदर, ब्लैक कॉमेडी जिसे हम कहते हैं, जो कटाक्ष बोलते हैं, तो वो आपको देखने को मिलेगा। एक सवाल कि सलमान खान की से या उनके कोई यहाँ आने वाला है कि प्रोडक्शन नहीं, ये आज सतीश कौशिक, सलमान SKF और सतीश कौशिक और Zee5 का इकट्ठा वो है, क्योंकि बहुत लोग आ नहीं सकते हैं असल में, कम जितने तादाद में लोग बुलाने की कोशिश की हमने। तो लस्सी ठीक है जी, थैंक यू। सर यहाँ पर बोल दूँ सर। हाय सर, हाय, हाउ आर यू? आई एम नंबर 1-2।